भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के माध्यम से लैक वैल्यू चेन पर एक NAIP राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का एकमात्र उद्देश्य बगान लगाकर लाख की खेती को बढ़ावा देना है। अतः इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार करने में आसानी हेतु इस फिल्म का निर्माण किया गया है। बगान लगाने की विधि एवं उस पर लाख की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। सेमिलता बहुवर्षी जीवी दलहन गोत्र का पौधा है। ये आसाम और अंडमान निकोबार में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान ने इस पौधों को लाख के उत्पादन के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस पौधे पर लाख उत्पादन के लिए प्रचार प्रसार किया गया है। सिंचाई की कमी वाली क्षेत्र में शीतकाल और सिंचाई वाली क्षेत्र में उष्मकाल में सेमिलता पौधे पर लाख फसल की उत्पादन की जाती है। बीज द्वारा आसानी से इसकी खेती संभव है। पौधा तैयार करने के लिए बीजों को नर्सरी में दो तरह से उपजाया जाता है। उच्चतल सीडबेड। एक 1.2 मीटर × 9 मीटर क्षेत्रफल में 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का उच्चतल सीडबेड बरसात के दिनों में पौधे नर्सरी के लिए बनाया जाता है। यह बीमारियों से होने वाले मृत्यु दर को कम करता है। मिट्टी को गोबर के साथ मिलाकर एकदम हल्का कर लिया जाता है। तत्पश्चात मई के महीने में बीज बोया जाता है और समय समय पर सिंचाई की जाती है। बेड की चौड़ाई 1.2 मीटर इसलिए होनी चाहिए ताकि सिंचाई में आसानी हो सके। पौधों की अच्छी बढ़त के लिए वीडिंग की जानी चाहिए। पॉली बैग में बीज अंकुरण। नर्सरी पॉली बैग में 2:1:1 में मिट्टी, बालू और गोबर खाद मिलाकर भर लिया जाता है। बैग में जगह जगह छेद कर दिया जाता है ताकि सिंचाई का अतिरिक्त पानी बह सके। एक पॉली बैग में 1 से 3 बीज डाला जाता है। गर्मी के दिनों में बैग छाया वाली जगह में रखा जाता है तथा बरसात के दिनों में खुली जगह में छोड़ दिया जाता है। बीज 7 दिनों में अंकुरित हो जाता है। दो या तीन पौधों की अंकुरण की स्थिति में अतिरिक्त पौधों को हटाकर सिर्फ एक पौधा प्रति बैग छोड़ दिया जाता है। पौधरोपण। 1 फिट × 1 फिट × 1 फिट माप का गड्ढा गर्मी के दिनों में सूर्य ताप की पर्याप्त मात्रा के लिए खोदकर उसमें अच्छी तरह से मिलाई हुई मिट्टी और गोबर खाद से भर ली जाती है। खाद की मात्रा प्रति गड्ढा 2 से 3 किलोग्राम होती है। बरसात के दिनों में जब कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है तो पौधों को पौधशाला से निकालकर तैयार खेतों में बो दिया जाता है। लिफ्टर का उपयोग पौधों को बेड से उखाड़ने के लिए किया जाता है जिससे पौधों के जड़ों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इस वक्त पौधों की ऊंचाई 1 फिट से 1.5 फिट होती है। अच्छे परिणाम के लिए पौधों का रोपण त्रिकोणात्मक विधि से किया जाता है जिसे दो रो में बांट दिया जाता है।
दोनों रो के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है और पौधों से पौधों की दूरी 1 मीटर तथा पेड़ रो से पेड़ रो की दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। पौधों के ऊपर कीट चढ़ाना या कीट संचारण। व्यावसायिक लाख उत्पादन के लिए पौधरोपण के एक वर्ष पश्चात लाख बीज चढ़ाई जाती है। लगभग 20 ग्राम लाख बीज प्रति पौधा पहले वर्ष में, दूसरे और उसके बाद वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर 50 ग्राम किया जा सकता है। अच्छी फसल के लिए बीजों को टहनी के बीच के भाग में बांधना उचित होता है। लाख कीड़ा 21 दिनों तक निकलता रहता है, जो पौधों की समूची डाल पर बैठ जाता है। नर कीड़ा 40 से 45 दिनों के पश्चात निकलता है और सहवास के बाद मर जाता है। मादा लाख कीट अब तेजी से बढ़ती है, यह दिसंबर महीने में अधिकतम होता है। लाख से अब मोम बाहर निकलता दिखाई देने लगता है। अगस्त सितंबर के महीने में एक बार खरपतवार निकाल देना चाहिए। परभक्षी शत्रु कीट। मुख्यतः काली व सफेद तितली के पिल्लू दशा लाख को हानि पहुंचाता है। लाख के ऊपर बना सुरंग और छेद देखकर उसकी उपस्थिति की संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है। कीटनाशक का छिड़काव। फसल बचाव के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। यह दवा पौधों में लगने वाली विभिन्न दुश्मन कीट और पैरासाइट से बचाता है, जिसमें सफेद तितली, काली तितली और हरा पतंगा पिल्लू महत्वपूर्ण है। निमांकित छिड़काव शेड्यूल अपनानी चाहिए। दवा के मिश्रण का छिड़काव तब तक करना चाहिए जब तक वैक्स पूरी तरह बह न जाए। प्रॉपर वेंटिलेशन की कमी और अपर्याप्त सूर्य की रोशनी की वजह से सूटी मोल्ड की बढ़त होती है, जो लाख एवं पौधों की पत्तियों को हानि पहुंचाता है। कभी कभी यह पौधों की मृत्यु दर को भी बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है।
कार्बन डाइजिंग का समय पर छिड़काव से सूटी मोल्ड को रोकने में मदद मिलती है। लाख फसल की अच्छी बढ़त के लिए पौधों के बीच वाली पत्तियों को हटा दिया जाता है, जिससे पर्याप्त हवा एवं सूर्य की रोशनी मिल सके। कभी कभी ज्यादा लाख के कीड़े बढ़ने से लाख एवं पौधे दोनों मर जाते हैं। लाख का इंक्रास्टेशन नवंबर के महीने में टहनी से अलग होने लगता है, क्योंकि मिट्टी का जल स्तर कम हो जाता है। उस समय सिंचाई की जानी चाहिए। फरवरी के महीने में फसल पक जाता है। उस समय फसल की कटाई के साथ साथ पौधों की भी कटाई की जानी चाहिए। गर्मी तक नई टहनियां आ जाती हैं, जबकि 15 जून से 15 जुलाई के बाद वृद्धि हो जाती है। एक किसान की औसतन 2 से 2.5 लाख तक की कमाई प्रति हेक्टेयर हो जाती है।